हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की हम बात करेंगे कि आप सैमसंग गैलेक्सी M04 मोबाइल में सिस्टम को अपडेट कैसे करेंगे। दोस्तों आपके मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम A to Z रहती है और सिस्टम अपडेट आपके मोबाइल में आया रहता है तो दोस्तों वो आपके मोबाइल में प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है और दोस्तों आपके मोबाइल का वर्जन भी चेंज हो जाता है अपडेट के बाद में। और दोस्तों आपका कोई भी फीचर्स या कोई भी एप्लीकेशन काम नहीं करती दोस्तों, वो आपके मोबाइल में सिस्टम अपडेट के बाद में वो एप्लीकेशन वर्क करने लगती है। तो दोस्तों आप सिस्टम अपडेट कैसे आया रहेगा आपके मोबाइल में तो कैसे जान पाएंगे और दोस्तों उसको कैसे अपडेट करते हैं दोस्तों, पूरी जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, जिससे कि दोस्तों आप अपने मोबाइल में सिस्टम को अपडेट आसान तरीके से कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है और जैसे ही मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। अब आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना और यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों आपको सिस्टम अपडेट की जगह सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिल जाता है दोस्तों डाउनलोड अपडेट का ऑप्शन रहेगा यहाँ पे और दोस्तों आपको क्या अपडेट आया हुआ है और आपका वर्जन क्या है वो आपको सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं दोस्तों, आप नीचे स्क्रॉल कर लेना है और क्या क्या अपडेट आया है वो सारी जानकारी इसमें दी हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों आप इसको अपडेट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप पढ़ लेना है, उसके बाद में दोस्तों आपके मोबाइल में कितना दोस्तों MB का अपडेट आया हुआ है या दोस्तों कितना साइज है उसका GB में है या MB में वो आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाता है और वर्जन भी क्या है आपका वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर से दोस्तों आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन नीचे मिल जाता है तो आपको डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और जैसे ही डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ऊपर ये दोस्तों लाइनिंग। तो यहाँ पे ये लाइनिंग दोस्तों आपके मोबाइल में पूरी हो जाएगी दोस्तों। जैसे दोस्तों ये आपके मोबाइल में लाइन पूरी हो जाती है उसके बाद दोस्तों आपको कुछ एक और स्टेप आएगा, वो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा इंस्टॉल अपडेट या दोस्तों इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन रहेगा या दोस्तों इंस्टॉल अपडेट का ऑप्शन रहेगा। तो आपको नीचे से फिर से आपको उस पर क्लिक कर देना है और आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके मोबाइल का पूरा सिस्टम अपडेट हो जाएगा और उसके बाद में ऑटोमेटिक ही दोस्तों वो आपका मोबाइल ऑफ हो जाएगा और ऑटोमेटिक जब दोस्तों आपका मोबाइल सॉफ्टवेयर में जाएगा तो दोस्तों आपका मोबाइल में कुछ टाइमिंग लगेगा, यानी दोस्तों कुछ टाइम जाएगा, हो सकता है आधा घंटा भी जा सकता है। और दोस्तों आपको कोई भी मोबाइल में छेड़खानी नहीं करना है, ना तो कोई बटन दबाना है, कुछ भी नहीं करना है और आपको मोबाइल साइड में ही रख देना है दोस्तों, आप साइड में ही रख सकते हैं। और आपको जब अपडेट हो जाएगा उसके बाद में दोस्तों आपके मोबाइल का वर्जन भी चेंज हो जाएगा और कुछ ऐसी सेटिंग्स रहती हैं जो आपके मोबाइल में चेंज हो जाती हैं तो दोस्तों आप उसको चेक कर लेना है आपके मोबाइल में अपडेट होने के बाद में। तो दोस्तों इस तरह से आप सैमसंग गैलेक्सी M04 मोबाइल में सिस्टम को अपडेट कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो से सेंड कर मिली हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो मैं रोज लाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक से, इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।